सो हेलो डिकोडर्स, वेलकम टू डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप आपके ब्लॉग पोस्ट में पेज में टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, आपके ब्लॉग को और ज़्यादा फॉर्मेटेड बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरी देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पोस्ट के अंदर टेबल इंसर्ट करने का इजिएस्ट वे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए आप आपका ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको इस साइट को ओपन करना है, tablesgenerator.com। दोस्तों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इस साइट को ओपन कर सकते हो। जब दोस्तों ये साइट आप पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे फाइल्स, एडिट टेबल, कॉलम, रो, सेल, हेल्प। तो दोस्तों, इसमें से आपको इस टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप आपकी टेबल की साइज सेट कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके भी दोस्तों आपकी टेबल की साइज यानी कि रो एंड कॉलम के नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कितने बाय कितने का आपको टेबल इंसर्ट करना है, यानी कि दोस्तों कितने कॉलम कितनी रोज। तो दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टेबल हो चुका है इंसर्ट, 2 columns and 4 rows। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आपके टेबल को फॉर्मेट करना है, यहाँ पे इसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? तो दोस्तों सिंपली अगर आपको जिस रो में जिस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, उस रो को आपको डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ एक ऐसा ब्लिंकिंग कर्सर आ जाता है। यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट डालना है वो आप डाल सकते हो। लाइक दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम, और दोस्तों बाद में नेक्स्ट कॉलम में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप इसी तरीके से जो है वो डेटा फिल कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप इसी तरीके से डाल सकते हो। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इस रोल नंबर को, नेम को, यानी कि दोस्तों कॉलम एंड रोज को दोस्तों अगर आपको फॉर्मेट करना है, तो आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि दोस्तों अगर आपको बेसिकली अगर आपका ये हेडर है तो आपको दोस्तों इसे करना है सिलेक्ट। दोस्तों अगर आप पर्टिकुलर एक पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे दोस्तों साइड में नंबर्स दिख रहे होंगे और ऊपर ABCD यानी कि दोस्तों आपको कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आपको अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इन नंबर्स पे क्लिक करोगे। लाइक दोस्तों मुझे अगर फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं A पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर मुझे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगा, जिससे कि मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली अभी मुझे पहली रो को सिलेक्ट करना है, तो मैंने पहली रो को सिलेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों अगर आपको इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, टेबल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर को कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से सिंपली व्हाइट, और दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, रो बैकग्राउंड, इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी इजीली मैंने दोस्तों यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया। सेम दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको आपने जो डेटा इंसर्ट किया है उसे अगर दोस्तों फॉर्मेट करना है, लाइक बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बाद में इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, प्रीमियम ऑप्शंस दोस्तों फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको फॉन्ट साइज चूज करनी है तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज चूज कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो। बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी आपको टेबल थीम्स मिलती है, इनमें से अगर आप कोई थीम यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। लाइक दोस्तों मुझे अगर ये वाली थीम यूज करनी है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी थीम यहाँ पे इसे अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों ये जो है वो बहुत इजीली आपको दोस्तों बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि आप एक बेहतरीन टेबल आपके ब्लॉग पोस्ट में पेज में इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी आपने यहाँ पे टेबल तो क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट करने के बाद दोस्तों अगर आपको आपकी पोस्ट में इंसर्ट करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी कोड मिलता है इसे करना है कॉपी। इसे कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके कॉपी करना है। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। ये कुछ दोस्तों आपको ऐसा दिखेगा। जितना अच्छा दोस्तों आप टेबल डिजाइन करोगे उतना अच्छा इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इस कोड को कर लिया कॉपी। अभी दोस्तों यहाँ पे मुझे ब्लॉग के अंदर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सीधे ब्लॉग में जाऊँगा। और यहाँ पे जाने के बाद आपकी पोस्ट को दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप न्यू पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो सिंपली यहाँ पे फ्रॉम कंपोज व्यू यू हैव टू स्विच टू HTML व्यू। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे HTML व्यू में स्विच कर लेते हो, आपका जो भी कंटेंट है जिसके बीच में आप पेस्ट करना चाहते हो उसके बीच में पेस्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई भी कंटेंट इंसर्ट नहीं किया, तो सिंपली दोस्तों मैंने जो भी कोड कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया और जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कंपोज व्यू में जाता हूँ, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। इसका दोस्तों आपको फॉर्मेटेड वर्जन कब दिखेगा, जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे या फिर पब्लिश करोगे। जब आप दोस्तों इसकी पोस्ट को एडिट कर रहे हो तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मेटेड वर्जन यानी कि प्रॉपर फॉर्मेटेड टेबल नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे टेबल तो इंसर्ट कर लिया, अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे करंटली लोडिंग है, और दोस्तों यहाँ पे जब प्रीव्यू आपका
टोटल शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टेबल कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों नेम रोल नंबर। दोस्तों ये जो पूरा टेबल है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव टेबल है, यानी कि दोस्तों आपकी टैबलेट स्मार्टफोन कंप्यूटर के डिवाइस के स्क्रीन साइज के हिसाब से दोस्तों खुद को एडजस्ट कर लेता है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस पोस्ट को कर दिया पब्लिश। अभी दोस्तों मैं यहाँ से इसे सिंपली कर देता हूँ व्यू। इसे व्यू करने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी पोस्ट हो चुकी है लोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल भी प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों फॉन्ट भी कस्टम फॉन्ट आ चुका है, बाद में इटैलिक हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है, बैकग्राउंड आ चुका है, बाद में यहाँ पे फॉन्ट कलर भी प्रॉपर आ चुका है। अभी दोस्तों अगर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों कि क्या ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज दोस्तों खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं दोस्तों सिंपली यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये खुद को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है, यानी कि ये प्रॉपरली टेबल आपके ब्लॉग पोस्ट में वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिंपल वे बताया कि आप किस तरीके से आपकी ब्लॉगर पोस्ट में टेबल इंसर्ट करते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको बता रहे कि आप वर्डपैड में जाइए, वर्ड में जाइए, वहाँ से टेबल क्रिएट करिए। तो दोस्तों वहाँ से टेबल क्रिएट करके आप यहाँ पे इंसर्ट तो कर सकते हो, पर बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड टेबल आपको नहीं मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा इस वेबसाइट के थ्रू। आप इस वेबसाइट पे आइए और आपके ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा सा टेबल क्रिएट करिए, आपके ब्लॉग के अंदर इंसर्ट करिए, जो कि आपके ब्लॉग को एक बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड लुक प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे कॉन्टेस्ट, स्टे होम।